आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूं प्राची सिंह राजपूत। आज की मीठी बात जुड़ी है यूपी से। यूपी में अब ऊसर यानी बंजर जमीन में भी धान पैदा होगा, इससे किसानों को भरपूर पैदावार मिलेगी। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने धान की 4 ऐसी किस्मों को विकसित किया है जो ज्यादा लवणता भूमि में भी उत्पादन दे सकती है। धान की एक ऐसी किस्म है CSR 36। किसानों के लिए धान की ये किस्म किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जहां बंजर जमीन में कोई फसल नहीं हो पाती थी, अब उस जमीन में धान की पैदावार होगी। दरअसल बंजर जमीन कृषि विकास के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। देश में 36,06,000 हेक्टेयर भूमि बंजर है। प्रदेश में भी हर जनपद में बंजर भूमि मौजूद है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने इन भूमि में पैदा की जाने वाली फसल जैसे धान, गेहूं और सरसों की किस्मों को विकसित किया है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक रवि किरण ने किसान तक को बताया कि बंजर जमीन में धान की ज्यादा उपज देने वाली किस्म CSR 36 है, जो भूमि के लिए पीएच मान 9.8 तक उगाई जा सकती है। इसमें किस्म के पौधों की लंबाई 100 से 110 सेंटीमीटर और पकने का समय 130 से 135 दिन है। वहीं इस किस्म के धान के दाने सुंदर, लंबे और पतले होते हैं। ये किस्म सामान्य भूमियों में भी 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है और बंजर जमीन में, जबकि इसकी किस्म का उत्पादन 40 से 42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ज्यादा उत्पादन क्षमता और बंजर के प्रति सहनशील और कीट और रोगों के प्रतिरोधकता के कारण ये किस्म किसानों के बीच काफी फेमस है। इस किस्म के धान के बीज संस्थान के लखनऊ कार्यालय में है। किसान इन बीजों को लेकर अपनी बंजर जमीन में भी धान की अच्छी पैदावार कर सकते हैं। तो ऐसी ही अच्छी खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।